मजावड़ी गांव में चोरी की वारदात हुई थी। एक आरोपी को चित्तौड़ जिले से गिरफ्तार किया है। इस वाली चोरी का कैसे खुलासा किया? हमने उसी का एक साइकोलॉजिकली तौर पे उसका सहारा लिया कि भाई तेरी बच्ची को मालूम पड़ेगा कि तू चोरियां करता है वगैरह, नकब जनिया करता है। हम तेरी बच्ची को यहाँ लाएंगे और उसको बताएंगे कि तेरे पिताजी ये काम कर रहे हैं। तो इस आधार पे वो थोड़ा टूटा कि हाईवे के किनारे जो भी गाँव है उनको ये टारगेट करते हैं। गैंग का जो मेन लीडर है वो शिवा है। 200 किलोमीटर दूर आके चोरी करना अपने आप में एक विचित्र बात। जब भी घर से निकलेंगे पूजा पाठ करके निकलेंगे, मोबाइल लेके नहीं जाएंगे। शीघ्र एक बड़ा खुलासा होगा। चोरी नकबजनी पे हमारा फोकस यूं रहता है कि एक गरीब आदमी या एक परिवार जो अपनी जीवन भर की पूंजी को इकट्ठा करता है और इस तरह से चोर आधे घंटे घंटे भर में उसको साफ करके ले जाते हैं, तो उस परिवार को न्याय मिल जावे। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। उदयपुर जिले के गोकुंदा थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पिछले साल मई महीने में गोकुंदा थाना क्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित मजावड़ी गांव में चोरी की वारदात हुई थी। कुछ अज्ञात चोरों ने वहां पर कुछ घरों को निशाना बनाया और वहां से जेवरात चुराए और नकदी भी चुरा ली। इस मामले में गोकुंदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को चित्तौड़ जिले से गिरफ्तार किया है। इस मामले में बात करेंगे गोकुंदा थाना अधिकारी से कि किस प्रकार से उन्होंने इस वारदात का खुलासा किया, कैसे वो आरोपियों तक पहुंचे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो पहले तो आपको बधाई कि आपने चोरी की बहुत सारी वारदातों का खुलासा किया है। थैंक यू। इस वाली चोरी का कैसे खुलासा किया, ये आरोपी कैसे डिटेन हुए? अभी करीब 2-3 दिन पहले जब मैं जनरल डीओ था, रात्रि गश्त में था और टीम भी नकबजनी चोरी की वारदातों के लिए हाईवे और गाँव में घूम रही थी, उसी रोज रात को करीब 1 बजे इतला आई मजावड़ी गांव से कि कोई गांव के अंदर कोई अज्ञात चोर वगैरह घुसे हैं। तो इस पर पुलिस टीम पवन सिंह के नेतृत्व में और टीम द्वारा गांव की घेराबंदी की गई और करीब 3 या 4 व्यक्ति वहां पर दिखे पुलिस टीम को। तो उनकी घेराबंदी करने के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम पहला था उसको हमने डिटेन किया वहीं पर और उसको पकड़ कर लेके आए। उसके बाद में उससे इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने पर क्योंकि कंजर जाति के लोग हैं तो वो थोड़ा मुश्किल है उनको तोड़ना, क्योंकि उस तरीके से अपन इंट्रोगेट करते हैं तो इनको मालूम है कि पुलिस थोड़ा टॉर्चर करेगी और फिर छोड़ देगी। तो फिर इसकी एक लड़का और लड़की है इसके, जो इससे पहला ने लड़की को कहीं बाहर पढ़ा था ये चित्तौड़ में। तो हमने उसी का एक साइकोलॉजिकली तौर पे उसका सहारा लिया कि भाई तेरी बच्ची को मालूम पड़ेगा कि तू चोरियां करता है वगैरह, नकब जनिया करता है। हम तेरी बच्ची को यहाँ लाएंगे और उसको बताएंगे कि तेरे पिताजी ये काम कर रहे हैं। तो इस आधार पे वो थोड़ा टूटा और उसके बाद में उसने जो बताया कि साहब मैं करीब 1.5 साल पहले मेरे इन्हीं 2 साथियों के साथ में, शिवा और सोनू के साथ में, यहाँ पर इसी मजावड़ी गांव में आया था और करीब 5-6 मकानों में ताले तोड़े थे और करीब 10-12 लाख की चोरी हुई थी उस समय। और उस चोरी को लेके काफ़ी ग्रामीणों में आक्रोश भी हुआ था। इससे पूछताछ करने के बाद में 2 नाम और आए, शिवा और सोनू। ये 3 जने थे? 3 जने थे उस चोरी में, पहले वाली चोरी में। और जिसने सामान लिया वो करके अम्बालाल करके नाम है, जो वहीं का विजयपुर का ही है, जो सोनी का काम करता, चोरी का सामान वगैरह लेता है। इस अम्बालाल ने आज से करीब 3-4 साल पहले अपनी एक गैंग बनाई थी अम्बालाल ने, और बाकायदा पाली में मिनी बस में सभी चोरों को भर के और पाली में करीब 6-7 वारदातों को अंजाम दिया था इन्होंने। वो मामला भी काफ़ी हाईलाइट हुआ था उस समय और उस पर फिर इनके चालान गए वगैरह, ये सारी इस तरह से सारा मामला ओपन हुआ सारा। तो ये जो 2-4 दिन पहले जो चोरी हुई है, हाँ, जिस दौरान एक को डिटेन किया था जी, तो उस दौरान उसके साथ और भी लोग थे, भाग गए? हाँ, दो लड़के और थे, सोनू और शिवा करके। ये पहले वाली में भी थे? पहले वाली में भी थे और इसमें भी है। ये सेम 3 लोग? सेम ही 3। 200 किलोमीटर दूर विजयपुर चित्तौड़ से यहाँ आना, और इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो यही है कि हाईवे के किनारे जो भी गांव है उनको ये टारगेट करते हैं ताकि भागने में आसानी ताकि भागने में आसानी रहे। हाईवे पे क्यों गाड़ी आती जाती रहे तो कोई डाउट भी नहीं करेगा। गाड़ी को जब ये गांव में उतारते हैं तो गाड़ी के अंदर चाबी उसके अंदर ही रखते हैं ताकि एट द मोमेंट अगर एस्केप होना पड़े, भागना पड़े तो
तुरंत भाग जाओ। इसमें भी इन्होंने गाड़ी को गांव के पास में खड़ी कर रखा हाईवे से नीचे उतर के, लेकिन ये पकड़ में आ गए। तो अंबालाल से कोई पूछताछ हो पाई? अभी अभी टीम गई हुई है उक्त आरोपी की गिरफ्तारी और अंबालाल की गिरफ्तारी के लिए, टीम को भेज रखा है, दो दिन से वहीं है टीम, और उक्त प्रहलाद को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जेसी कराया गया है। क्या इनसे और इससे रिमांड की आपने मांगी थी कोर्ट से, पीसी रिमांड का? क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी चोरियां है, तो मुझे लगता है कि उनसे पूछताछ करने की जरूरत है। पूछताछ के लिए हमने पीसी लिया था, पीसी लिया था, बकायदा उसमें भी इंट्रोगेशन किया गया है, लेकिन चूंकि गैंग का जो मेन लीडर है वो शिवा है, वो जब पकड़ में आएगा तो हो सकता है काफ़ी चोरियों का खुलासा होगा राजस्थान की, क्योंकि बाइक पे 200 किलोमीटर दूर आके चोरी करना अपने आप में एक विचित्र बात है। और सबसे बड़ी बात इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, वो ये है कि ये मोबाइल का उपयोग नहीं करते। जब भी घर से निकलेंगे, पूजा पाठ करके निकलेंगे, मोबाइल लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको अमूमन इन लोगों को ये ध्यान है कि पुलिस किस ट्रैक पे चलती है, तो इस आधार पे ये मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए पकड़ना बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को। ये आपने अभी एक बात बताई, पूजा पाठ करके निकलते हैं, तो ये इस तरह का इनमें कुछ एक टोटका बना रखा है इन्होंने कि भाई पूजा पाठ करके चलते हैं, या सांवरिया जी के भी जाते ये लोग, वहाँ पर भी करते रहते हैं पूजा वगैरह, दान पुण्य करते हैं, इसका भी सहारा लेते हैं ये लोग। अंदेशा है थोड़ा सा कि एक बड़ा खुलासा और करने वाले, ऐसा कोई खुलासा? शीघ्र एक बड़ा खुलासा होगा और काफी नकबजनियों का और खुलासा होगा जो भी आसपास के एरिया में जो हुई है। आपका यहाँ जो कार्यकाल अब तक का रहा है, इसमें देखा कि चोरियों की वारदातों को काफी आप खुलासा कर लेते, जो बहुत पुरानी पुरानी चोरियां हैं उनको भी, तो क्या स्पेशल कोई मास्टरी है आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः चोरी नकबजनी पे हमारा फोकस यूं रहता है कि एक गरीब आदमी या एक परिवार जो अपनी जीवन भर की पूंजी को इकट्ठा करता है और इस तरह से चोर आधे घंटे घंटे भर में उसको साफ करके ले जाते हैं, तो उस परिवार पे काफ़ी विपदा आती है, काफ़ी दुखी रहता है वो परिवार जो हमने देखा है। तो हमारा फोकस ज़्यादा इसी पे इसलिए रहता है कि कम से कम उस परिवार को न्याय मिल जावे, कि भाई उसका जो भी सामान गया है, चोरी चकारी हुई है, गहने वगैरह लते गए, पैसे गए हैं, तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखा आपने, आपने बताया कि इस तरीके से थोड़ा एक संवेदना रहती है परिवार के प्रति, इसलिए वो चोरी की वारदातों पे विशेष तौर पर उन पे जो है खुलासा करने के लिए काम करते हैं। हालांकि मेरे अनुभव में ये है कि थानाधिकारी टू थानाधिकारी वेरी करता है कि कौन किन प्रकार के मुद्दों का पे काम करने का इंटरेस्टेड होता है। तो बहरहाल शैतान सिंह लाथावत जो है, ये चोरी की वारदातों को खुलासा करने के साथ साथ में अवैध जो तस्करी होती है उसको रोकने में भी कहीं कहीं इनकी प्रोग्रेसिवनेस उनके अंदर दिखाई देती है। देखते रहिए डेली राजस्थान।